फ्रैक्शन बता रहे हैं, इसकी कंसेप्ट बता रहे हैं। इधर देखिए लॉट, इधर उधर देखते रहते हो आप। हाँ देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ स्ट्रिप बनी है। आज स्ट्रिप का मतलब ये पत्तियां का पत्ती टाइप की बनी है स्ट्रिप। इनसे हम क्या बता रहे हैं, हिंद को जो बच्चा देखेगा वही यानी समझ सकता है। ये एक स्ट्रिप है, क्या स्ट्रिप का मतलब एक कागज की पट्टी बनी हुई, एक पट्टी एक लिख दिया इसके अंदर, ध्यान से समझना क्या लिख दिया हमने। अब सुनो ध्यान, उसको हम बीच से आधा कर दिया, क्या कर दिया। तो मैथ की लैंग्वेज में इस आधे भाग को, इस आधे भाग को देखो ये लिखेंगे एक बटे दो, एक बटे दो ये हो गया और एक बटे दो किसके समझ में आया भाई। एक था एक का आदमी आधा कर दिया, बीच में से तोड़ दिया, तो एक बटे दो ये हो गया, एक बटे दो ध्यान से समझना। फिर देखिए अब हमने इसे कितने भागों में तोड़ दिया, तो एक भाग का मान बच्चों कितना हो गया, एक बटे तीन, इसका भी मान एक बटे तीन, इसका भी मान एक बटे तीन, समझ में आ गया। इसी एक को ऊपर वाले को अब हमने चार में बांट दिया, एक दो तीन चार, इस एक को ही बांट रहे हैं, एक को एक का मान कितना हो गया, एक बटे चार, एक दो तीन चार पाँच हो गया, चार चार करना है, कितने करना है चार, चार एक दो और एक यहाँ से, तो एक भाग का मान कितना हो, एक बटे चार, एक बटे चार, इसी यही बट रहा, ये अकेला था, इसके चार बहन भाई आ गए, अब उसमें मारना है एक लड्डू बांट रहा है, तो एक को एक बटे चार भाग में आएगा, तीसरे को एक बटे चार, चौथे को भी एक बटे चार। अब इसी एक लड्डू मान लो या सेब एप्पल मान लो, पांच भाई बहनों में बांट, तो देखो क्या होगा, एक दो तीन, तो पांच खाने, पांच भाई बहनों का, एक दो तीन चार, एक भाई को कितना मिलेगा, एक बटे पांच, दूसरे को एक बटे पांच, तीसरे को एक बटे पांच, चौथे को एक बटे पांच, पांचवे को एक बटे पांच। अब यही एक सेब या एक एप्पल बांट रहे हैं छह भाई बहनों में, कितने भाई बहनों में छह हो गए, देखो एक दो तीन चार पाँच छह, छह भाई बहन हो गए एक के, तो एक का मान एक को कितना मिलेगा, एक बटे छह, दूसरे को एक बटे छह, तीसरे को एक बटे एक, चौथे को एक बटे छह, पांचवे को एक बटे छह और छठे को एक बटे, यही एक से हम बांट रहे हैं सात लोग, सात भाई बहन है। सात हो गए तीनों, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक को पहले वाले भाई को कितना मिलेगा, एक बटे सात, दूसरे को एक बटे, तीसरे को चौथे को पांचवे को छठे को सातवे को, यही एक से बांट रहे हैं आठ लोगों में। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, पहले वाले भाई को मिलेगा एक बटे आठ, दूसरे को मिलेगा एक बटे आठ, तीसरे को मिलेगा एक बटे आठ, चौथे को मिलेगा एक बटे आठ, 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 इसके समझ में आया। आप सुनो ध्यान, यहाँ पर मान लो प्रश्न आ गया तुम्हारे पास, तो इससे कैसे करो, अगर पेपर में आ गया प्रश्न एक बटे दो
प्लस एक बटे दो, इसका मान कितना होगा? ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसका मान कितना आना चाहिए? पहले ये विवाद दौड़ा लो इस फॉर्मूले से, कितना आना चाहिए? इसको बताए, बताओ अतुल। नहीं गलत, कौन बताएगा बोलो? एक बटे दो गलत। सुनो ध्यान से सुनो, इसका मान एक आना चाहिए क्योंकि एक था, एक में से तोड़ा तो एक बटे दो आया था। अरे एक में से तोड़ा था हमने तो एक बटे दो, एक भाई को मिला, एक बटे दो दूसरे भाई को मिला, तो आना जब जोड़े हम दोनों को, इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? कैसे आएगा ध्यान से देखिए, दो आ गया एलसीएम और एक और एक जोड़ दो, एक प्लस एक बराबर आ गया दो बटे दो, इन्हें काट दो, दो एक कम कितना आ गया? अरे एक ही तो था हमारे पास, बस सूरत बदल गई प्रश्न की, अब तुम घूम गए यहाँ के, है वही चीज, एक कैसे आधा आधा बांटा, आधा एक भाई को आधा दूसरे भाई को बांटा हमने, तो आना चाहिए हमारा एक ही तो आना चाहिए। कोई कह रहा है एक बटे दो, कोई कह रहा है एक बटे चार, कह रहा है गलत है। दूसरा प्रश्न इसी चित्र से ध्यान से देखना, इसका उत्तर कितना आएगा? एक। कितना आएगा? एक। अब समझ में आया कितना आएगा? एक। देखो इस एक को ही तीन बच्चों में भागा, एक दो तीन, देखो इसका उत्तर आएगा बच्चों, एक दो तीन, तीनों का जोड़ो, तीन बटे तीन, तीन एक बराबर एक आ गया। बोलो किसके समझ में आई हमारी बात? आई अब तो अगला देख लो, मैं ले रहा हूँ छठा प्रश्न, लो छठा प्रश्न ले लिया मैंने, एक बटे छ, एक बटे छ, एक बटे छ, एक बटे छ, एक बटे छ और एक बटे, इसका उत्तर कितना आएगा? बच्चे देख के घबरा जाएंगे, घबरा जाएंगे, इसका उत्तर आएगा एक। यह अकेला था, छह भाइयों में बांटा है, इसके लिए एक को बांटा है, तो एक भाई को कितना मिला? एक बटे छह, दूसरे को एक बटे छह, तीसरे को एक बटे छह, चौथे को एक बटे छह, पांचवे को एक बटे छह, छठे को एक बटे छह। लेकिन ये आंसर देख, क्वेश्चन देख के तुम घबरा जाओगे, घबराना नहीं है, तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट कैसे कर दोगे बच्चों? ऊपर कितने, एक दो तीन चार पाँच छह, एक एक सबको जोड़ लो और बटे छः, ऐसे सवाल करते हैं तो ऊपर होगा छः, छः बटे छः का बराबर एक पाँच, देखो एक को तो छः भागों में छोड़ा था, एक को छोड़ा, सबके समझ में आ गया, बाकी ये जोड़ना, ये जोड़ना। थैंक यू वेरी मच।